हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप मेरी मॉर्निंग की शुरुआत यहाँ बेडशीट चेंज करने से हो रही है। सुबह का चाय वगैरह हो गया है और आज मैं इस रूम का बेडशीट चेंज कर रही हूँ। उसको 2 दिन पहले दूसरे रूम का बेडशीट चेंज की थी। दोनों रूम का बेडशीट एक दिन चेंज नहीं करती हूँ क्योंकि ऊपर छत पर सुखाने की अभी मुश्किल हो जाता है, किसलिए बारिश का मौसम है और घर में ही सुखाना पड़ता है। घर में इतनी जगह नहीं होती है कि दोनों रूम का बेडशीट सुखा सकें, इसीलिए और मैं एक एक करके दोनों रूम का बेडशीट धोती हूँ ताकि सुखा पाऊँ। और कैसा लग रहा है मेरा बेडशीट बताइएगा। और यहाँ मैं कपड़ा धो रही हूँ। मैं कुछ देर पहले इसको फूलने दे दी थी कपड़ा को, ये फूल गया, तब इसे धो लूँगी और कपड़ा धोने के बाद मैं नहा लूँगी और नहाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। यह मैं अपने बेटी को कबाब स्टिक दी होगी, तुम गिन के बताओ कितना है इसमें। ये मैंने आज ही रिसीव किया है। सोच रही थी कि मैं कैंसिल कर दूँ बोल के, आज मैं कैंसिल करने ही वाली थी लेकिन आज ये रिसीव हो गया, क्योंकि 20 दिन पहले मैंने इसको ऑर्डर किया था। रोज़ मुझे 1 सप्ताह से मैसेज आ रहा था आज डिलीवर्ड होगा, आज डिलीवर्ड, लेकिन ये आता नहीं था। आज सोची कैंसिल कर ही दूँ तो ये आज आ गया। 200 मंगाया और 193 आया, कम ही दे दिया। और यहाँ हम लोग दोपहर का लंच कर रहे हैं। कपड़ा वपड़ा धुल गया, सब नहा धो के मैंने खाना बना लिया था और यहाँ हम लोग दोपहर खाने में खाने बैठे हैं। तीनों जन मिल गए। इसके पापा यहाँ पर भी नहीं है खाने के समय में, क्योंकि वो ऑफिस गए हुए हैं, उनका आने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, इसलिए हम ही तीनों खा रहे हैं। वो जब आएंगे तो उनको मैं लंच दे दूँगी। रात का खाना और संडे को एक दिन ही सिर्फ हम लोग सब साथ में खा पाते ना, तो और दिन बस हम ही तीनों रहते हैं। और यहाँ हम लोग टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, सीरियल दे रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, वही हम लोग देख रहे हैं और खाना भी एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे दोपहर खाना पीना बर्तन धोना सब किचन वगैरह सब साफ़ हो गया है। और ये रात का समय हो रहा है और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो घर में कुछ सब्जी थी नहीं, बारिश के कारण लाने नहीं जा पाई, तो सोचा कि चना दाल का तड़का और रोटी बना देती हूँ। वैसे चना दाल का तड़का भी बहुत टेस्टी लगता है और बहुत सिंपल तरीके से बनाया जाता है, कुछ नहीं किया। चना दाल को हल्दी और नमक देके पानी देके उसको पहले उबाल लिया था और उसमें मिर्च लहसुन प्याज ये सब काट के उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। और उसमें फिर वो टमाटर दे दूँगी और मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, भुना हुआ जीरा पाउडर और गरम मसाला बस इतना ही दूँगी। और उसके बाद चना दाल उसमें मैं ढाल दूँगी जो पका हुआ दाल होगा वो, और उसमें 1 चम्मच घी ढाल देंगे ताकि उसके टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है, घी से टेस्ट उसका बहुत अच्छा हो जाता है इसीलिए। और जो बनाने के बाद जो बर्तन निकले हैं वो सब तो धो लूँगी, आटा गूंद के मैंने रख लिया, ये बर्तन धो लूँगी तब रोटी बनाऊँ। इससे बर्तन बेसिन में पड़ा रहता है तो फिर काम करने में मन नहीं लगता है, सोचे पहले सब बर्तन धो लेती हूँ तब फिर आराम से रोटी बनाऊँगी। आटा गूंद के रखा हुआ है। तो मेरा बर्तन धुल गया है और अब मैं रोटी बनाऊँगी। ये देखिए मेरी बेटी आई है, वो जानबूझ के हर समय वीडियो जब ऑन रहता है तो बीच बीच में आ जाया करती है और वो मुझसे बातें कर रही है कि मुझे भूख लगी है मम्मी, रोटी बनी कि नहीं बनी। तो मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ और उसे बात कर रही थी, मैंने सब कुछ बोल दिया तो वो चली गई वहाँ से। पता नहीं मैंने उसे क्या बोला था मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ मैंने कह दिया तो वो चली गई वहाँ से। और मैं यहाँ रोटी बना लेती हूँ, ज़्यादा रोटी तो बनाना नहीं है, थोड़ा ही रोटी बनाना है, 6-7 रोटी बनाना पड़ता जैसे, ज़्यादा नहीं। छः सात रोटी में हम सभी पूरी फैमिली का हो जाता है, दो मैं, दो मेरे हस्बैंड, एक एक दोनों बच्चे ही लगता है। लेकिन फिर भी 2 बजे ज़्यादा बना लेते, कभी अच्छा कुछ लगा खाने का, ज़्यादा मन कर गया अच्छा टेस्टी बना तो खा लेंगे इसीलिए, अरे तो बच जाता है। सुबह तो बंदर आता ही है तो उसे हम रोटी दे देते हैं सुबह सुबह, इसलिए ज़्यादा ही बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं रोटी बना लेती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है इसलिए भर भर के कीजिएगा, और प्लीज़ एटलीस्ट 2 मिनट वीडियो वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।